तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे सुजराज ग्रुप में। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं देवमोगरा में, और दोस्तों यहां पर देख सकते हो हमारे सबके चाहते अजीत सर दिल्ली से अभी अभी आए हैं, पति भी नहीं सुबह यहाँ पर ही आए थे, कुछ काम था इसलिए। तो हर साल आते हैं, जैसे इस साल भी हम आए हैं अप्रैल का 24 और हर साल आई हर साल आएंगे भले चाहे कंडीशन परिस्थिति हमारी कैसी भी रहे, लेकिन ये तारीख में हर साल हम हमारे कुलदेवता यहाँ के माता दर्शन के लिए आते हैं। और दोस्तों पूरे गांव वासी आई है इस साल, ज़्यादा भीड़ आई है, ज़्यादा भक्त आई है, डबल आई है इस साल। ये हमारे सरपंच साहब और हमारे मेरे पाटिल गाँव के पाटिल बड़े भाई के सरपंच मेरे साथ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका प्रेरणा है हमारे साथ में। कुछ बोल दो। हमारे आदिवासी रूढ़ी परंपरा का मैं पूरा सलाहकार हूँ। अखिल भारतीय आदिवासी रूढ़ी परंपरा रजिस्ट्रेशन की हुई है, और हमारा ईश्वर दादा गावित ये ऊंची सेवड़ी के रहने वाले हैं, वो अध्यक्ष है, और हम सब ऐसा साथ में ही ये रूढ़ी परंपरा बचाने के लिए यही प्रोग्राम कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर सुधराज बैंड आई थी, वो भी खत्म हो चुकी है, और अभी अभी मनोरंजन होने वाले है। तो अजीत सर ने दिखा दो भाई एक बार, ये स्पेशल सबका मनोरंजन करने के लिए आदिवासी रमशा का पार्टी। और अभी अजीत सर दो सब बोलेंगे संगड़े पार्टी को। हम भी मोबाइल में देखते हैं जी, इतना तो टाइम नहीं मिलता उन लोगों को देखने के लिए हम जा पाए। तो ये जो हमारे आदिवासी परंपरा रूढ़ी परंपरा है, ये बचाने वाले संगड़िया पार्टी बोलते हैं, वो ही बचाते हैं, नहीं तो हम तो ना हमारे लैंग्वेज भी भूल जा रहे हैं आजकल। लेकिन ये लोग जब से आए हैं अभी तक उसने हमारी संस्कृति बचा के रखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदिवासी संगड़िया पार्टी कोई भी है, इतनी सारी बहुत सारी पार्टी है जो सबको सुबराज ग्रुप की तरफ से और हमारे सारोड़ गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हमारे संगड़िया आदिवासी संगड़िया पार्टी को कलाकारों को दिल से शुक्रिया। तो हम जैसे मोबाइल में देखते हैं लाइव देखेंगे हम भी बहुत एक्साइटेड है। जब संगड़े पार्टी देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। पिछले साल हम सरपंच के साथ में पूरी नाइट निकाल दिए थे, उस तरफ बैठे थे, आज भी याद है। तो दादा भी थे अभी साथ। अभी हम अपने आदिवासी रूढ़ी परंपरा इसके जो ये पुस्तक निकाले है, आमची बोली आमची गाणी, यानी चार भाषा में है, हिंदी मराठी गुजराती और अपनी बोली भाषा। इसमें वो जो पुस्तक मेरा खुद का लिखा हुआ है, और उसमें यहाँ मोगी मागते का गीत है, क्रांतिवीर जो जितने आदिवासी क्रांतिवीर हुए हैं उनके सब इसमें गीत है, और आध्यात्मिक कोई भजन है ऐसा है। तो वो अभी अजीत दादा के हाथ से अपन वो करेंगे। ये हम हमारी आदिवासी संस्कृति परंपरा रूढ़ी परंपरा होती है, उसको बचाने के लिए हमारे बुजुर्ग लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको फॉलो करना, उसके पीछे हम भी चले, ऐसा हमारा युवा पीढ़ी को निवेदन है कि आप कोशिश करो हमारे संस्कृति बचा के रखिए, और हमारी बोली भाषा खास करके बचा के रखिए। हम हिंदी में गेम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं लोग अजीत सर आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं, हम नाराज हैं। तो मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ, हम सिर्फ आदिवासी चार पांच ताल तहसील में जो हमारी लैंग्वेज सुनते हैं, उसके अलावा गुजरात के एरिया में एमपी के एरिया में हिंदी तो समझते हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए हम हिंदी में वीडियो बनाते हैं, मजबूर है, तो आप नाराज मत हो, हम फुल आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। जय जवाहर जय आदिवासी। और इसको कॉन्टेक्ट करना हो तो ये इसमें मोबाइल नंबर है, मैं खुद कवि हूँ, मैं खुद लेखक हूँ, और मैं प्रकाश किया हुआ हूँ, अभी 2000 पुस्तक ये छपे हुए हैं, और अभी यहाँ विनामूल्य यहाँ हम जिसको देंगे। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर मोबाइल नंबर है, अभी हम मोबाइल नंबर स्क्रीन पर लगा देंगे, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दिलीप भाई से पहले शुरुआत करता हूँ, ये मेरे हाथ से, ये दूसरा है, ये मेरे हाथ से मेरे हमारे गांव के पाटिल जो हमारे गांव चलाते हैं, छोटी उम्र में ही मेरे जैसे ही है, बहुत एक्टिव रहते हैं एनी टाइम,
कुछ भी प्रॉब्लम है, पुलिस स्टेशन या कुछ भी छोटी बड़ी बात है, हमारे पाटिल और सरपंच काफी एक्साइटेड रहते हैं और एनी टाइम प्रेजेंट रहते हैं। जो लिखा पड़ा होगा तो उसको दे तो अच्छा है, दिनेश भाई के, क्योंकि उसमें से दिनेश भाई को वीडियो बना रहा हूं बाद में। और हां, आप ही सभी को, सभी को ये राज भाई को पहले यूट्यूब पर, राज भाई के बारे में जानते हैं। सो गाइस, हमें भी बुक मिल चुका है, हमारी भाषा में बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। लीला लीला है, तुम्हारा तो काम है ये, ये हमारे युवा पीढ़ी को जरूर देखना है। देखो, बैंड बैंड के चक्कर में मत पड़ो, कुछ करो नया नया, हमारे पीछे भी मत पड़ो। नाच कूद एक चीज होती है, लिमिटेड होना चाहिए। आप बार बार नाचने कूदने के चक्कर में आपकी लाइफ खराब मत करो, थोड़ा अपने संस्कृति बचाने की थोड़ा कोशिश करो। ये सबको हमारे तरफ से निवेदन है, हमारे दादा ने बहुत सारी मेहनत करके यहाँ अभी ये प्रकाशन किया है, तो ये हमारे तरफ से ये निःशुल्क सबको ये घर पे जाके पढ़ने का। उसमें क्या लिखा है, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे वो सब लिखा हुआ है, हमने तो पढ़ते नहीं है लेकिन बाद में पढ़ लेंगे। तो आ जाओ जी, भाई शर्मा क्यों रहे हो भाई? ये मुरादपुर के मेन और हमारे प्रेरणा स्थान है, क्योंकि मैं बहुत आदर करता हूँ, हमसे बड़े लोग कोई भी रहते हैं उनका आदर करना हमारा काम है। तो ऐसे ही अभी उनसे मेरे से या नहीं मुझे पता नहीं है, नहीं खुश खुश चला चला आज सियाल पुस्तक जजे हम राखी सेवा बाबा यार, पुस्तक जजे ते लीला हो जाए आपू भाषा में है, उसके दोस्तों जरा कुछ चाहिए तो आपू भाषा में है, देनी गांव लाया वो पढ़े करूंगा। अभी थोड़ी देर में संगड़ी पांडे स्टार्ट होने वाली है, आज हम लाइव देखने वाले हैं सबके साथ। और सर सरपंच जी कुछ बोलना चाहोगे? सरपंच जी के अभी बिजी है भाई, इलेक्शन आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी के, थैंक यू। तो फोटो पढ़ लेता।